यूफा अवार्ड समारोह ONGC सामुदायिक भवन परिसर में आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व CM रमेश पोखरियाल निशंक ने फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला समेत राज्य के 16 कलाकारों को सम्मानित किया। इस साल यूफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्वर्गीय महेंद्र सिंह डंग को देते हुए उनकी पत्नी रोमी डंग को 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया। यूफा अवार्ड समारोह में शामिल हुई अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने कहा कि 7वीं कक्षा में पिता के कहने पर गढ़वाली फिल्म यक्षा स्वर्ग में 3 मिनट के रोल ने बॉलीवुड अभिनेत्री के मुकाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी सोचा नहीं था कि वे अभिनेत्री बनेंगी। करियर की शुरुआत थी तो मेरी फर्स्ट फिल्म एक गढ़वाली फिल्म जो मेरे डैड ने बहुत फोर्सफुली मुझसे करवाया था। आई वाज इन स्कूल और फिल्म का नाम है यक्षस्वर। आई डोंट नो आप में से कितने लोग यहाँ पे गढ़वाली फिल्म मोस्टली यूथ कितना देखते हैं, बट प्लीज आप ये मूवी देखिए यक्षस्वर्ग। और मेरा छोटा सा 3 मिनट का कुछ स्पेशल अपीयरेंस देखिए जिसमें मैंने कुछ एक मैं पहाड़ी लड़की की तरह मैं चलते हुए जाती हूँ और मटका पकड़ के और मेरे हाथों से मटका गिर जाता है। सो दैट्स व्हाट आई डिड। आई वाज इन आई थिंक 7th स्टैंडर्ड तो दैट वाज द स्टार्ट मेरी एक्टिंग की शुरुआत वहाँ से हुई थी। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड टू सी दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म। भले ही छोटू सा रोल था बट मुझे नहीं पता था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी आगे चलकर। सो कहीं ना कहीं शुरुआत मेरी उत्तराखंड फिल्म से हुई है। उर्वशी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि गढ़वाली फिल्म से उनके करियर की शुरुआत हुई है। इस मौके पर उर्वशी ने गढ़वाली गीत दुई गति बैसाख सुरमा गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संवाद 365 के लिए अमित गोसाई की खास रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।